मैं समीर कोचर ले जा रहा हूं आपको अपने जीवन के सफर में। आइए कुछ यादें बांटें, कुछ बातें बांटें। मैं दिल्ली का हूं, परवरिश पूरी दिल्ली में हुई है, साउथ दिल्ली में पूरा जीवन काटा है। सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ा हूं और स्कूल के दौरान ही काफ़ी थिएटर, काफ़ी स्पोर्ट्स, काफ़ी खेलकूद में इंटरेस्ट था। जब थिएट्रिक्स करते थे तो प्लेस परफॉर्म करते थे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, स्कूल बैंड का हिस्सा था। स्पोर्ट्स कहे तो स्कूल टीम के लिए फुटबॉल खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। सो एक्स्ट्रा करिकुलर्स मेरी ज़िंदगी का पहले से ही बहुत अहम हिस्सा थे। कुछ ऐसा कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे आके एक्टर बनना है या यही करियर परस्यू करना है। बस एक परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ एक इंटरेस्ट था और काफ़ी सारे जो हॉबी क्लब्स हैं वो ज्वाइन किए, थिएटर वर्कशॉप्स की। मुझे याद है कि जब हमारा पहला प्ले हमने पुट अप किया था, रोशन अब्बास जो उस टाइम दिल्ली में रेडियो होस्ट करते थे, यानी स्टार्टिंग आउट यू नो फॉर्मिंग इज इवेंट कंपनी, तो उन दिनों हमने एक प्ले पुट अप किया जिसका नाम था ग्रेफिटी पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम स्कूल। एंड उसमें मैं मेन लीड था और हमने 8-9 महीने रिहर्सल्स की, काफ़ी सारी तैयारी की उसके लिए। और जब स्टेज पे गया तो मेरा पहली बार एक प्रोफेशनल सेटअप में मैं एक एक्टर के बतौर स्टेज पे गया। मैं बहुत नर्वस था, बहुत एंशियस था, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंसेज, स्टेज, थिएटर, लोग पैसे दे के टिकट खरीद के आपको देखने आ रहे हैं। बट इट वेंट ऑफ वेल। और जब वो कर्टन्स नीचे डाउन हुए हमारे फर्स्ट प्ले के बाद, हमने हाथ पकड़ के वो फाइनल बाव दिया, तो जो तालियों की गूंज सुनी तो इतनी पसंद आ गई कि कहा कि यही ज़िंदगी भर करना है। तो दैट्स व्हेन आई थिंक आई स्टार्टेड, कि मुझे एक बिलीफ हुआ सेल्फ में कि मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे अपने करियर को और अपनी जो एस्पिरेशंस हैं एक्टर बनने की उसको आगे लेके जा सकता हूँ। दिल्ली में काफ़ी सारा वक्त बिताया और काफ़ी सारे लाइव शोज किए एज एन MC, कई सारे कॉर्पोरेट लॉन्चेस किए, कई सारे इवेंट्स किए, पार्टीज में एंकरिंग की। उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला कि एक लाइव क्राउड के सामने कैसे बात कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड थिएटर चल रहा था और यू नो ट्रैवल शोज कुछ शुरू किए दिल्ली से, न्यूज़ चैनल पे। इनफैक्ट एट द एज ऑफ 18 मैंने JN TV जो न्यूज़ चैनल है उनका सबसे पहला न्यूज़ बुलेटिन मैंने पढ़ा था, तो इंग्लिश न्यूज़ कवर करता था। हालांकि न्यूज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी पूरा इलेक्शंस मैंने लाइव कवर किए। तो एक टेलीप्रॉम्प्टर को कैसे पढ़ते हैं और हर एक सुबह की 5 बजे की शिफ्ट दिल्ली की ठंड में कैसे कवर करना, तो मेरे ख्याल से ये रेडियो के दौर से, थिएटर के दौर से, लाइव एंकरिंग के दौर से, ट्रैवल शोज के दौर से, मैंने इन सब के जरिए बहुत कुछ सीखा। एक दिन बस ऐसा, मैं एक शो था ड्रीम डेस्टिनेशंस करके सी न्यूज पे, और ये ट्रैवल शो था, इसकी मैं शूटिंग कर रहा था विशाखापट्टनम में। तो मुझे याद है कि वहां पर जब जाने समय मुझे फोन आया था कि एक फिल्म की ऑडिशन हो रही है, वो चाहते हैं कि मैं आके ऑडिशन दूँ। तो कभी फिल्म सोचा नहीं था, लेकिन मैं विशाखापट्टनम में जब गया, हमारा शूट 2-3 दिन डिले हो गया, तो हम टाइम पे वापस नहीं आ पा रहे थे। आई रिमेम्बर मैंने एक बहुत लंबे ट्रेन का सफर काट के आई केम बैक टू बॉम्बे फॉर 50 आवर्स और सो, और मैं सीधा रेलवे स्टेशन से सीधा भागा कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस की ओर। वहाँ पर मेरे प्रोड्यूसर बैठे हुए थे, उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए थे। तो मैं अंदर अपना सर डाला और मैंने कहा कि आई एम सॉरी आई एम लेट, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं ऑडिशन करूँ। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा रोल है जहाँ पर एक आपको एक आदमी का दिल टूटा है, लड़की का दिल टूटा है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है। तो लकीली फॉर मी माई लाइफ उस टाइम पे, लकीली करियर वाइज, कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा उसी टाइम पे ब्रेकअप हुआ था। एंड आई रिमेंबर कि वो सीन मैंने बहुत खुद के लिए बढ़ाया, बल्कि पैशन और इमोशन के साथ, क्योंकि काफ़ी क्लोज थी वो फीलिंग ब्रेकअप की। तो अगले दिन मुझे उनका फ़ोन आया, इनफैक्ट कि मैं आखिरी लड़का था जो ऑडिशन देने आया उसके लिए। एंड दे सेड कि कम टू बॉम्बे, आप बॉम्बे आइए हमारे साथ, एंड ये फिल्म का हिस्सा बनिए। फिल्म का नाम था वैलेंटाइन डेज, इट वॉज़ अ क्रॉसओवर फिल्म, एक इंग्लिश फिल्म थी जो हमने शूट की मसूरी में, नैनीताल में, और फिर बॉम्बे आने का सफर एकदम से शुरू हुआ। एंड सिंस देन देयर हैज बीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ शोज, काफ़ी सारी फिल्में की हैं, लेकिन सफ़र वहाँ से शुरू हुआ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे आई थिंक दुनिया में सबसे ओपन माइंडेड पेरेंट्स मेरे ही हैं, वो पेरेंट्स कम मेरे दोस्त हैं। और दूसरी हैरानी की बात है कि मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, देयर आर माय मदर्स अ PhD, मेरे जो माय फादर्स अ CA, बट बाकी जो सारे लोग हैं, कोई WHO में है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोई यू नो सर्जन है, तो सब लोग एकदम साइंस के बैकग्राउंड से आए हैं सब लोग। इनफैक्ट जब मैंने जाके अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस पर, तो यू नो दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, क्योंकि बचपन से ही जो सारी एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैं करता था
तो प्लेस देखने आते थे, वो हौसला अफजाई करते थे कि आप करो, कोशिश करो और यू नो इन्जॉय उसे. तो मेरी जो भी डिसीजन रही है आज तक, चाहे मैंने अपना पहला जो बड़े लेवल का जो शो होस्ट किया था बॉम्बे में, वो था डेंजरस जूम टीवी पर. ये इंडिया का सबसे पहला चैट शो था सेक्स के ऊपर, जब हम लोगों को सेक्स का ज्ञान दे रहे थे, मैं और कमाल सिद्धू. ये हर एक रात 11 बजे आता था. तो मुझे याद है जब मुझे वो शो साइन करना था, तो मैं काफ़ी घबराया हुआ था कि मैं नेशनल टीवी पर सेक्स बोलूँगा, लोगों को सेक्सुअल एजुकेशन एडवाइस दूँगा, तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे. इनफैक्ट माई फादर एंड मदर तो हंस रहे थे, कह रहे थे कि यार तुम्हें क्या पता है, तुम जाके कर लो और अच्छा करोगे, हम तुम्हें गाइड करेंगे. मैंने कहा आप गाइड मत कीजिए, बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाके कर पाऊँ. एंड दे वेरी वेरी हैप्पी दैट आई कैन गो एंड डू इट. तो इस तरह से काफ़ी सपोर्ट मिला है. जब बॉम्बे में जब अपनी पहली फिल्म की, उसके बाद आप दिल्ली से आते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी पहली फिल्म करेंगे और बाकी सारी फिल्में आपके पास आती रहेंगी, तो ऐसा होता नहीं है. क्योंकि आपको वो राउंड लगाने पड़ते हैं काफ़ी सारे स्टूडियोज़ के, प्रोडक्शन हाउसेज के, आपकी फोटोएँ देनी पड़ती हैं आपको. तो उस दौर पे पैसे भी खत्म हो जाते थे कभी कभी, तो घर फ़ोन करके बोलना कि थोड़े पैसे चाहिए, थोड़ा ये है, थोड़ा वो है. सपोर्ट हमेशा था. एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई ट्रूली फील आई हैव द नाइसेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. और जो भी करो लाइफ में, आई थिंक उनके नक्शे कदम पर चलना चाहूँगा. क्योंकि अभी तक दे आर मैडली इन लव विद ईच अदर. मेरी बहन है जो एक्चुअली मुझसे छोटी है, लेकिन वाकई में मेरी बड़ी बहन है, उनसे मैं काफ़ी एडवाइस लेता हूँ. और बस पूरा ग्रोइंग अप ईयर्स बहुत अच्छे थे. मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी, हम लोग सब साथ रहते हैं, वी हैव डॉग्स इन द हाउस, और पूरा एक फैमिली का माहौल जो है दिल्ली का बड़ा क्लोज है. और जब भी बॉम्बे में फुर्सत मिलती है, जब भी कुछ मैं टीवी पे करता हूँ, सबसे पहले मेरी मम्मी मुझे मेरी सारी जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं, सारे मेरे आर्टिकल्स हैं, वो बचा के रखती हैं मेरे लिए. जो भी मैंने आज तक किया है सब कुछ डॉक्यूमेंट करती हैं. फादर भी बताते हैं काफ़ी चीज़ें कैसे करनी चाहिए. So I am very blessed to have parents like mine, and they've been very supportive. जी काफ़ी, बल्कि परेशानियाँ नहीं, मेरे ख्याल से एक जो प्रोसेस होता है आपको अपने आप को एक नए शहर में ढूंढने का, वो हर एक इंसान को जाना चाहिए, चाहे वो हमारा फील्ड हो, कोई और भी फील्ड हो. तो वो प्रोसेस हमें गुजरा ज़रूर, क्योंकि अपने पेरेंट्स से मैंने काफ़ी यंग एज में जब काम करने लग गया था, तो मैं पैसे कमाने लग गया था. तो जब बॉम्बे आया, संघर्ष किया, तब थोड़ी उनसे हेल्प चाहिए थी. लेकिन बड़ा ज़रूरी है, जब आप बॉम्बे में आते हैं, आप एक फिल्म करते हैं, एक प्रोजेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास आने लग जाएगी, और वो होता नहीं है. क्योंकि इतने सारे लोग हैं, यू नो, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और कई सारी चीज़ें आपको करनी हैं. तो यस, मैंने अपना पोर्टफोलियो खिंचाया बॉम्बे आके. मैंने फेमस स्टूडियो में कभी ट्रेन से गए, वहाँ सारे प्रोडक्शन हाउसेज में फ़ोटोज़ छोड़ लिए, कभी ऑडिशंस में गए, कभी रिजेक्ट हुए, कभी सेकेंड लेवल पर बुलाया, कभी कहीं हुए वहाँ पर भी. तो आई थिंक रिजेक्शन इस फील्ड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. अगर आप, मैं मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत जल्दी फल मिल जाए इस फील्ड में, तो आप शायद ज़िंदगी में उतना संघर्ष ना करें आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो आपकी जगह लेना चाहते हैं, और राइटली सो, वो भी अपना ड्रीम फुलफिल कर रहे हैं. हाँ, मायूसी तो होती थी हर एक बारी, क्योंकि एक प्रोसेस होता था हमारा, कि आई थिंक सारे एक्टर्स का है जो नए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, कि आप हर एक जगह से वो जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके नंबर आप लेते हैं. यू नो, आप 10 नंबर लेते हैं वहाँ से निकाल के, टॉप प्रोडक्शन हाउसेस के, आप फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आई एम एन एक्टर, आई एम फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम वेवर, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अपनी फोटो छोड़ना चाहता हूँ आपके पास में. तो आप 10 मीटिंग सेट करते हैं, अगले 5-6 दिन में आप जाके अपनी सारी जो फोटोग्राफ्स हैं, अपनी जो CV है, सब कुछ सबको दे आते हैं. अब 6ठे दिन जब आपने अपने सारे ये काम कर लिया है, आप अपने फ़ोन को देखते हैं और चाहते हैं कि वो बजे, और आप चाहते हैं कि लोग आपको फ़ोन करें और बुलाएं. लेकिन इनिशियली ऐसे होता नहीं है. तो फिर आप 2 दिन के लिए मायूस हो जाते हैं. फिर तीसरे दिन आप उठते हैं और 10 नए नंबर निकालते हैं और 10 नए लोगों को फ़ोन करते हैं, और फिर 10 नए राउंड बनाते हैं. एंड कभी ना कभी आपके सामने जो ऑडिशन है, जो आप क्लिक होंगे, और आपको जो चाहिए वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा. तो मायूस होता था, लेकिन ऐसा था कि करने आया हूँ यहाँ पर. पसंद बहुत था, और लगता था कि खुद में एक कॉन्फिडेंस है कि मैं जाके लोगों से मिलूँ और अपना और सीखूँ और आगे बढ़ूँ. तो बस एक बार ही यहाँ ठान ली आने की, तो फिर कभी इतनी मायूसी नहीं हुई कि वापस बस छोड़ के चले जाऊँ. विशेष फिल्म्स में जहर की थी, तो मुझे याद है वो मोहित सूरी की पहली फिल्म थी, और उसमें उन्होंने बुलाया था मुझे एक ऑडिशन के लिए. शॉन वर्गीज कैरेक्टर था, जो एक उनकी फिल्म थी, एक आउट ऑफ टाइम करके फिल्म है जिन्होंने उन्हें इंस्पायर होकर फिल्म बनाई है. तो मैं उनसे मिलने गया, और मोहित सूरी की पहली थी, और ऑडिशन किया, उनके पसंद आया, और हमने कहा चलो साथ करते हैं. तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म विद देम. रिमेंबर उरिता गोस्वामी वाज मेरी पत्नी थी उसमें, इमरान वाज ऑफ कोर्स द पुलिस ऑफिसर, शमिता भी थी फिल्म में. वहाँ पर उसी फिल्म के दौरान कुणाल देशमुख वाज द
थर्ड एडी और केडी के साथ एक ट्यूनिंग सी हो गई, क्योंकि मैं भी बहुत नया था फिल्म इंडस्ट्री में, वो भी काफ़ी नया था, हालांकि हिज पेरेंट्स जो हैं वो फिल्मी बैकग्राउंड के हैं, लेकिन उसने कहा भाई एक ट्यूनिंग होगी और कहा कि जब भी वो खुद अपनी फिल्म बनाएगा तो उसके साथ काम करेंगे। तो चार साल बाद जब उसने अपनी पहली फिल्म बनाई जन्नत, तो वहाँ पर उसने मुझे अप्रोच किया और कहा कि समीर फिल्म है, हमने बात की थी, तो अब रोल है, कैरेक्टर है, अच्छा है, आखिर सुन लो। तो मैंने सुनने गया और हमने काफ़ी काम किया उस पर। एंड बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भट्ट साहब की, मुकेश जी की, जो मुझे रिपीट करते रहते अपनी फिल्म में। और जब अभी जब जन्नत के बाद जो मुझे स्टारडस्ट अवार्ड्स में नॉमिनेट किया एज ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस मेल, तो एक बड़ा अच्छी खुद का अचीवमेंट था कि इट इज़ माई फर्स्ट नॉमिनेशन एवर। हालांकि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इन माई लाइफ, बहुत कुछ करना है, लेकिन यू नो केडी इज बीन अ वेरी गुड फ्रेंड एंड और जो भट्ट कैंप है मुझे घर की तरह लगता है। भट्ट ग्रुप के साथ इनफैक्ट ऐसा था कि मैं जो ये शो करा था ना डेंजरस, तो ये काफ़ी पॉपुलर शो हो गया था। इसके अलावा मैं हंगामा टीवी पे भी एक और शो करा था जिसका नाम है फुल टॉस। तो बतौर एंकर मैं टेलीविजन पे काफ़ी आने लग गया था, लोग देख रहे थे मेरा काम, कुछ एड फिल्म्स की थी, तो एक चेहरा था जो मेरे ख्याल से कुछ पहचान में आ गया लोगों की। तो मोहित ने मेरा शो देखा, उसको किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने बताया होगा मेरे बारे में, तब मैं उनसे जाके मिला। तो इट वॉज़न्ट एक और कई जगह बाकी जगहों से भी ऑडिशन के कॉल्स आते थे, ऐसा नहीं था कि कहीं और से नहीं करना था। और मुझे मैं अभी भी काफ़ी डरता हूँ कि अगर मैं फिल्म करता हूँ तो मुझे पूरा समझ होना चाहिए कि मैं फिल्म क्यों कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि क्वालिटी वर्क इज़ मच बेटर देन क्वांटिटेटिव वर्क। तो बस उनसे वहाँ पर ऐसे मुलाकात हुई, मैंने ऑडिशन की उनके साथ, मोहित से एकदम से ट्यूनिंग बन गई एंड आई एम वेरी हैप्पी आई वॉज पार्ट ऑफ द फिल्म। क्योंकि यू नो एज ए न्यू कमर फ्रॉम दिल्ली, इंपॉर्टेंट रोल्स अगर आप बड़ी फिल्मों में करते हैं तो वहीं से आपको आगे जाके एज अ मेन स्ट्रीम एक्टर हौसला मिलता है।